कैसे है राजा भाई? बैटरी बड़ी सर, कैसे? ये देखिए ना, सबसे पहले तो बैग की हालत चेक करें। है जी, पी आई का स्टफ चेक करें आप। जहाज़ में बैठे हुए आवाज़ें आ रही हैं बैगों की, ठा ठा ठा। सोचे कितना होगा। हाँ जी, रगड़ दिया ना बैग सर। हाँ, राजा भाई ने मुझे पिक कर लिया है। इस दफ़ा जो है ना, वापसी पे इतना स्मूथ चला जहाज़, ऐसे हवा में, मतलब लैंड करते हुए ना राजा भाई, उसने उस इंजन बंद कर दिया थे। जैसे हम लोग नहीं करते पहाड़ से नीचे उतरते हैं, क्लच पे करते हैं। जहाज़ के इंजन बंद कर दिए और वो फिर पेट्रोल बचाते हुए नीचे उतार रहा था। मतलब जहाज़ साइलेंट में चला गया था, पता नहीं मतलब क्या किया। इस दफ़ा उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट, वो खड़ा हुआ है, जहाज चल रहा है, सवारियों वाले जैसे बस नहीं होती, सही सही, वो खड़े हुए को वो कंडक्टर पैसे ले रहा होता है, खड़े खड़े ऐसे लग लग के साइडों पे, वो ऐसे खड़ा हुआ बता रहा है एहतियाती तदाबीर की सीट बेल्ट लगा ले, जहाज चल रहा है। अच्छा, मुझे वो लेट हो गए थे, अगर वो बताते ना खड़े खड़े तो और लेट हो जाना था। अच्छा, उन्होंने कहा यार इसको ना चल, तू चलते चलते ही कर जो करना था, मिस कराओ इसको, मिस कराओ। वो पूछ रहा है ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पीछे आगे जा रहा है कभी। हमारा बड़ा मजा है। और राजा भाई हमेशा की तरह ड्रॉप भी इन्होंने किया। अभी जो है ना, वो कहाँ जा रहे हैं हम? खबर करने जा रहे हैं। भूख लगी है मुझे, सुबह मैंने चाय थोड़ा सा नाश्ता ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि सफ़र की एक्साइटमेंट जो है ना थोड़ी सी मुझे होती है, उसमें भी खाना नहीं खाते। अंकल भी कह रहे थे बात के भूख, भाई खाना तो चाय तो ये तो वो। अभी हम जा रहे हैं सेवर पुलाव। मीटअप में रह गया है साढ़े चार घंटे रह गए। होपफुली आज का मीटअप बड़ा मज़े का जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद का जो मौसम है, ओए होए होए
बादल ही बादल से पूरे रास्ते में, मैंने पूरे रास्ते का टाइम लैप्स निकाला, उसको मैं अलग से अपलोड करूँगा, मेरा दिल कर रहा है, स्कर्दू टू इस्लामाबाद टाइम लैप्स पूरी फ्लाइट का। और मेरा हाथ जो था ना वो बढ़ गया था, मैं ऐसे करके पूरे एक घंटे की फ्लाइट 50 मिनट की, जब वो चलना शुरू हुआ ना तब मैंने की थी, तो 45 मिनट की फ्लाइट कहते हैं। वो शक्ल पड़ी है, कभी गए हैं नहीं, कभी नहीं, वैसे जाना चाहिए मुझे, पागल इंसान तो नहीं है। राजा भाई ने बहुत खतरनाक किस्म की गाड़ी लगाई है आज, ये आगे वाली पीछे वाली गाड़ी निकले कैसे, ये क्वेश्चन मार्क। घुमा कितना बन रहा है भाई? वो तो बनता है कराची से 7-7.5 सौ, यहाँ से कराची 1200-1800 किलोमीटर है। मीटअप स्पॉट पे हम जा रहे हैं, 5:04 हो गए, लास्ट टाइम राजा भाई मीटअप स्पॉट पे ले गए थे और लेट कर दिया था, मुझे याद आ गया एकदम, मैंने कहा जल्दी निकले भाई जल्दी निकले। एक वीलॉग रहता है जब ये वीलॉग आ रहा है, एक वीलॉग स्कर्दू वाला रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, आपने देख लिया होगा अब तक, चुमदा वाला वीलॉग है और मेरे ख्याल से वो आपको बहुत पसंद आया होगा। मीटअप पे मुझे लगता है कोई ना कोई बॉय जो है ना वो पहुंच गया होगा पहले ही, पिछले टाइम भी एक बॉय पहुंचा हुआ था, लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। हम पहुँच गए 5:35 पर पहुँच गए आज, मेरे कहने की वजह से राजा भाई टाइम पर निकले, मेरी बात की कोई वैल्यू तो नहीं है, और आज ट्रैफिक भी कम थी इसलिए कैमरा ऑन रखते हैं, देखते हैं कौन आया है, कोई भी नहीं आया था। ओए एक बाइक आई, एक जीएस खड़ी हुई है, जीएस एक खड़ी हुई है, लड़का जीत गया लग रहा है, लेकिन ये पार्किंग नहीं है, पार्किंग आपको लगानी पड़ेगी राजा भाई, वो आगे देख लें क्या पता, नहीं पीछे लगानी चाहिए थी, अब ना हुई तो फिर दोबारा ओ यस निकल रहा। और ये 1 वे के अगेंस्ट जा रहा है, वेरी गुड बॉय। 6:02 हुए और ये बॉयज जो है ना आ भी गए, नजर आ रहा मनमोजी राय। यार हसन भाई अगर आप ये देख रहे हैं ना तो मतलब हमें साइन किया गया है कि जो लोग घूमे हुए हैं उन्हें अंदर लेके जाने। विल यू मेरी मी? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? हमें हसन भाई ने कहा कि जो जो नए गेस्ट आ रहे हैं उन्हें अंदर लेके आओ, वो उधर, तो इसलिए हमें बाहर ठंड में खड़ा किया हुआ है, तो आप हमारा कुछ ख्याल करें और जल्दी हैं जो जो लेट हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं मीटअप पे। अरे एक और गेस्ट आए हैं जी आर वाले, यार बड़े लाग रही है भाई, बहुत बातें करते हैं। कहाँ गए मिलान भाई? अरे यहाँ पे इज्जत नहीं है, हमें पीछे बिठाया है। चले गए सीनियर कैमरामैन जो भी है, जो कैमरामैन क्रू है उसे पीछे फेंका हुआ है। सही बात, टीम इज फैंटास्टिक, टीम इज फैंटास्टिक, स्टिल फैंटास्टिक, बॉस नहीं ऐसा सिखाते हैं यहाँ पर, ये ले बात करें। भाई सबकी शक्लें ले ली है वे ना, रिकॉर्डिंग कर बंद कर इसको। भाई कहाँ कहाँ किया 70 पे? 70 मैंने इस साइड से चलता हूँ, कुमराट किया है, कलाम किया है, स्वाद किया है, फिर नरान किया है, सकर्दू किया है, जहाँ सर गए हैं वो सारा एरिया किया है, कश्मीर किया है। और तो अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालें, लाइफ को एंजॉय करें। कौन सी बाइक चलाते हैं? CG125। वाह यार लेजेंड हो आप। 97 मॉडल बॉर्न स्टॉक, फर्स्ट ओनर। उसके लिए आप सारी ये एफर्ट्स करते हो, ये तो आप ये मीडिया आ गया, तो इस मीडिया में आप चलने के बाद आपको वापस आ रही है लोगों के सवाल। अंकल जरा शुरू से बताएं हम कहां कहां से आए हैं जी? बेटा कहां कहां से क्या क्या करते हुए आए हैं? अच्छा अभी क्या करते हुए आए? सारे ट्रिप अपने। अच्छा ट्रिप की बात कर रहे हैं, मैंने कहा अभी तो रात हो गई है। तो आप अगर उससे पूछ रहे हैं तो स्टार्ट मेरा पूछ रहे हैं तो स्टार्ट तो मेरा जो है ना वो 75-76 से है, ठीक है ना जी? बिल्कुल।
और पहला जो है ना 78 में मैंने पहले स्टार्ट लिया था बाइक पे, जो कराची से मेरा रावलपिंडी तक का था। वो मेरे एक दोस्त थे अपना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, असलम रियाजी मियाँ वाली के, हम दोनों ने पास बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया और हम वहाँ से जनाब जामा आया था हमारे पास, उस पर हम जनाब चल पड़े और 2-3 दिनों में हम जनाब पिंडी पहुँच गए। लेकिन आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि हमें कोई किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि भाई पंचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बगैर कोई किट लिए बगैर कुछ लिए चल पड़े हम। दो दो पास जोड़े ऐसे ही निकल के आ गए हम, दो दो जोड़े पहने हुए, जब एक जोड़ा पहना हुआ और एक जो साथ लिया और चल पड़े वहाँ से हम। और हम 3 दिन में हम पहुँचे थे रावलपिंडी, जहाँ पे बल्कि मियाँ वाली आए थे, मियाँ वाली उनको मैंने ड्रॉप करके फिर मैं रावलपिंडी आ गया था। तो इस तरीके से फिर हम तकरीबन एक हफ्ता रहने के बाद वापस गया। वो सबसे पहला मेरा लॉन्ग टूर था जो 78 में मैंने किया। किस एज में किया था वो? मेरी एज थी उस टाइम 18 साल की। 18 साल की उम्र, 18 साल की उस टाइम पे। और उसके बाद से तो फिर माशाल्लाह 400 चली है। आप मस्कर्दू भी गए थे? मैं मस्कर्दू भी गया हूँ, मैं शंदूर भी गया हूँ, मैं अपना ये बस्तोज भी गया हूँ, गर्म जोशा भी गया हूँ, चिलम भी गया हूँ, ये तौबाड़ की तरफ भी गया हूँ, ये पूरा कश्मीर भी पूरा मैंने देखा है इसी पे बाइक पे, और पूरा ऊपर इलाका जो है वो भी। ये पूरा किस पे किया आपने? बाइक पे, सब बाइक पे किया। कौन सी बाइक थी? 70 में मैंने किया था, 98 में। अच्छा, उसके बाद फिर किस पे किया? उसके बाद फिर 125 पे, फिर उसके बाद से हाँ 125 पे, और अब जो है ना जो अभी रिसेंटली करके आया हूँ ये मैं 150 GS पे करके आया हूँ। GS 150? जी हाँ, GS 150 सुजुकी पे। और ये भी तकरीबन जो है ना 12-13 दिन कट हुआ था, जो यहाँ से हम गए थे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से शारदा, शारदा से नूरी टाप, नूरी टाप से जो नाम फिर हम आए दूसरा क्या कहते हैं जलगढ़ से होते हुए चलास से गिलगित, गिलगित से गुजरात पास, वहाँ से वापस फिर गिलगित, गिलगित से फिर हम गागूज, गागूज से शंदूर, शंदूर से चतराल, चतराल से काफ्रिस्तान, वहाँ से फिर वापस दीर से कुमराट, कुमराट से फिर वापस बैक टू रावलपिंडी। ये आपके कितने दिन का टूर बन गया? ये 12 दिन का, मेरे से गिनना मुश्किल हो गया था। ये 12 दिन का टूर लगाया, 12 जी हाँ। और अभी आगे माशाल्लाह जब तक जान है, जान में जान है, वो क्या है तो चल ही रहा है। अभी कोई नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान तो खैर जो भी है बनता रहेगा, लेकिन एक मैसेज है अपने लिए भी, अपने जो एज पहले उनके लिए भी है और जो जो टीन एजेस है उनके लिए भी, कि कभी भी अपने अंदर के बच्चों को ना मरने देना, ठीक है, उसको हमेशा जिंदा रखना। और वही वाली बात जो पहले सागर से मैंने पहले की है कि कल की जो आने वाली उसकी फिक्र ना करो, जो गुजर गया उसका दुख ना करो, जो आज का दिन है उसको इंजॉय करो। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मजा है और यही लाइफ है, ठीक है। और सबसे दूसरी आम बात जो है ना कि जहाँ भी जाओ ना तो कोशिश करो कि सजदा दो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो। मैंने भी मोटरसाइकिल ली और मैंने इस साल टूर करना है। ले लिया मोटरसाइकिल? कौन से? मैंने सुजुकी ली, GST है, ठीक है, क्योंकि मेरा वेट शेट थोड़ा ज्यादा है तो मैंने हिसाब लगाया कि आपका वेट ज्यादा है, मैं तो कुछ नहीं। हमारे जो लोग हैं ना, मैं अपने दोस्तों को भी बता रहा होता हूँ, हम जब बैठते हैं ना हम गाड़ियाँ भी दफ्तर की बातें करते हैं, कोई टूरिज्म की बात नहीं करता या बाहर फिरने की बात नहीं करता। ये दिस इज़ ग्रेट कि हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढें जिसपे कोई नेगेटिव पहुँची नहीं है। आप बाहर जाते हैं, मुल्क का फ़ायदा है, आपका अपना भी फ़ायदा है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, जो उधर लोग रहते हैं उनको नया जॉब मिलती है, काम चलता है। ये बहुत अच्छा एस्केप है, आपकी लाइफ है ना, आपके पास और करने का क्या है? पाकिस्तान में स्पेशली कोई फैसिलिटी होती नहीं है, पाकिस्तान में स्पेशली गवर्नमेंट सब कुछ नहीं करेगी, ये बड़ा हमें खुद ही करना है, हमें खुद ही करना। और ये तो क्या किराया पड़ा ना, आपने सिर्फ जाना है वहाँ, जो सही देर आपने जाना है और वो सब कुछ आपको देने को तैयार है, वहाँ जा भी ना सके तो ये तो आप ही होती है। वन ऑफ माई कॉलीग्स इज फ्रॉम फ्रांस और वो यही कहता है हमसे ज्यादा उसने हमारा मुल्क देखा, हमसे ज्यादा थोड़ी सी हमें शर्म आनी चाहिए जब वो ये कहता है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा आनी चाहिए। ही इज बीन हियर ओनली फॉर 6 months ओनली इस्लामाबाद में, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स, मुझसे ज्यादा उसने मार्गला को एक्सप्लोर किया है। लव देयर इज 55 ये जो बंदा ये कहता है ना वो गलत है, अगर टाइम नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी भी बात नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। छुट्टी मिल जाए ना आपको किसी तरह, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, उसको डिवाइड कर लेना,
अब यही करता हूँ बस, करते हैं ना आप, करते हैं ना, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है। आप जैसा बंदा बिजी है जो वो भी कर लेता है तो कोई भी कर सकता है। दादी भी गाड़ी में है तो बस हसन भाई का मीटअप खत्म हो गया भाई, बात कर दो यार क्या। बिलाल भाई के पैसे बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए बहुत ज्यादा, करोड़ों रुपए का नुकसान और फायदा। मीटअप ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट और सब जा चुके हैं, तो अभी मैंने कैमरा जो है ना वो पकड़ा, मैंने एक बंदे को कैमरा दिया हुआ था, मुझे नहीं पता कि उसने क्या शूट किया, अभी मैं जाके देखूंगा एडिट करते हुए उसको क्या उसने सिनेमैटिक से पता नहीं क्या क्या लोगों के मुंह में कैमरा डाल रहा था, काम की चीज़ें शूट नहीं कर रहा था, एक ही बंदे को स्पॉन्सर किया हुआ था वो बोट्स एंड माइल्स जो है ना। भाई भाई बहुत शुक्रिया आप सबका पैसे आने का। ये भाई इन्होंने GR लिया हुआ और इन्होंने इसको संग लगाने के लिए घर में खड़ा किया हुआ है। आज इन्होंने 1200 किलोमीटर करके कितने महीनों में भाई, 2 महीने में 1200 किलोमीटर, तो द लेजिएस्ट राइडर का जो अवार्ड है ना, जीरो को यहाँ ख़त्म करते हैं। कोरोना की वैक्सीन आज आज जो है मैंने इस गद्दू से यहाँ आया, यहाँ मीटअप भी कर लिया और अभी वापसी का प्लान पता नहीं बनता कि नहीं बनता, लेट्स सी। बहुत अच्छा रन रहा और लोग जो भी आए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं, एक छोटी सी राइड भी रखते हैं और एक बहुत अच्छे मीटअप के बाद हमने फैसला किया कि मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर डाइवो मिल जाए तो मैं घर चला जाऊँ ताकि मैं अपनी बाइक लेके आ जाऊँ। मुझे बूट्स एंड माइल्स ने ऑफ़र करवाई कि आप मेरी बाइक लेके जाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके बारे में जो है ना मैं कुछ और नहीं कह सकता, अभी राजा भाई और मैं जा रहे हैं डाइवो पे, लेट्स सी हमें बस मिलती है कि नहीं। 11:30 बजे की लास्ट बस है प्रॉबेबली और इस वक्त 10:41 हो चुके हैं। कितने देर पहुँच जाएंगे? आधे घंटे में हम 11:15 तक पहुँच जाएंगे। और चेक दिस ब्रो, एकदम रेड चल रहा है ब्रो। लाइट आ गई, वो तो 1.4 है ब्रो, लाइट बहुत ज़्यादा इसकी होती है। राजा भाई ने D3 और D2 लगाया, D3+D2 इकट्ठे ही लगा दिया और हम डाइवो के स्टेशन पे, यू नो स्टफ, 11:30 बजे की टिकट मिल गई है, क्योंकि डाइवो वालों के अंदर यहाँ वो है ना न्यूक्लियर, हमारे जो मिसाइल हैं वो इधर नसब है, वो इधर नसब है, तो कहते हैं कि आप अड्डे के अंदर ना टर्मिनल में आप नहीं कर सकते शूट। मैंने कहा बिल्कुल, हम मुहब्बत वतन पाकिस्तानी तो हम यहीं शूट करेंगे, सामान पैक करेंगे, अभी आधा घंटा गाड़ी में गपशप लगाते हैं। आई विल सी यू गाइस ऑन मे बी स्टॉप जब वहाँ थोड़ा सा कर लूँ, लेकिन लाहौर में जाके मिलते हैं। 5:39 होम स्वीट होम फाइनली, इट्स गुड टू बी बैक। और मैं इस वक्त स्कर्दू को मिस कर रहा हूँ, मैं वहाँ होता था तो मैं इस वक्त क्या कर रहा था, लाइक मेरी एक आदत है कि जब मुझे नींद का मज़ा लेने के लिए ना, मुझे जब मैं नींद का मज़ा लेना होता है तो मैं रात को 3-4 अलार्म्स लगा लेता हूँ, 2 बजे 4 बजे, फिर यू नो उसके बाद। तो मल्टीपल टाइम्स रात को आँख खुलती है, मल्टीपल टाइम्स आप सोते हैं जिससे आप यू नो नींद का मज़ा आता है। मीटअप बहुत अच्छा हो गया, मैं सुबह चला था स्कर्दू से 12:00 बजे, 1 बजे इस्लामाबाद, 6 बजे मीटअप, 9:30-10 बजे मीटअप ख़त्म हुआ, खाना खाया और 11:30 बजे वाले डाइवो से लाहौर, और यू नो फ्रेश, ऑल फ्रेशन अप, और अब मैं सोऊंगा और फिर हम अगले दिन का वीलॉग स्टार्ट करेंगे होपफुली। आज मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी है, मेरे 2 पेंडिंग वीलॉग्स हैं जो मुझे करना है, जिसमें एक ये है और एक इससे पहले वाला चुंदा जगह का, हाँ लास्ट स्कर्दू का वीलॉग, तो आई होप कि टाइमली ख़त्म हो जाएंगे। कल मुझे कश्मीर के लिए निकलना है, सरप्राइजिंग स्टफ ये है, इजाज़ भाई लोगों के साथ कल मुझे कश्मीर के निकलना है, सो दिस वीलॉग शुड बी ओवर, पता नहीं कितना लंबा हो गया ये वीलॉग, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच जो भी लोग मीटअप पे आए, और अरबी का बहुत शुक्रिया, अरबी ने मेरे लिए वीलॉगिंग की, यू नो रिकॉर्डिंग सारी, कैमरा अरबी के पास था, तो इसमें मज़ीद बात करेंगे इस मीटअप पे, साइन आउट टाइप चीज़, बाय।